मैं हूँ इब्तिसाम शेख और मैं आपके साथ अपनी क्रिकेट जर्नी शेयर कर रहा हूँ। तो यही है कि मेरी क्रिकेट जर्नी इस तरीके से स्टार्ट हुई कि मैं छोटा था, तकरीबन 13-14 साल का। तो मेरे घर के सामने एक छोटा सा कॉलेज का ग्राउंड था, तो उधर मैं अपने बड़े भाई वगैरह को खेलते हुए देखता था, तो उनके साथ जाके मैंने खेलना स्टार्ट किया। तो यही था कि उस स्टडी कॉलेज से मेरी क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई। उसके बाद मैं क्लब लेवल पर आया, तो क्लब लेवल पे मेरे दो क्लब हैं, यूनियन स्टार और बलोच स्पोर्ट्स। तो यही है कि वहाँ से अपना क्लब क्रिकेट स्टार्ट की, देन वहाँ से मैंने अंडर 16 रीजन खेला, वहाँ टॉप किया। उसके बाद अंडर 16 रीजन से मुझे मौका मिला अंडर 19 रीजन में, अंडर 19 रीजन में मैंने पूरे पाकिस्तान में टॉप करा और बेस्ट ऑलराउंडर बना। देन उसके बाद मुझे फैसलाबाद रीजन की टीम ने पिक किया, जहाँ पे मैं फैसलाबाद से मेरा डेब्यू हुआ अगेंस्ट SNGPL, जहाँ मेरी डेब्यू विकेट थी मिसबाउल हक की। और मिसबा भाई ने मुझे वहाँ से देखा, देन उन्होंने कोचिस से बात की, तो स्पेशली अकरम सर जो हाजी साहब हमारी टीम के कोच हैं पिशावर जलमी के, उन्होंने मुझे इस्लामाबाद आके देखा, मुझसे कोई 5-7 ओवर बॉलिंग करवाई और उधर से मुझे पिशावर जलमी के लिए पिक किया। जी बैट्समैन ये मोमेंट यही था कि पहले मैच में तो मैं PSL के आउट नहीं कर सका था किसी को, लेकिन अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिली थी कोचेज से, अपने कुलीग से, कि आपने बहुत बेहतर बॉलिंग करी है और इसी को कंटिन्यू रखना तो आप इंशाल्लाह आउट भी करोगे। तो उसी को मैंने कंटिन्यू करा था। लास्ट ईयर अगले मैच में मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 3 आउट किए थे और अपनी ही बॉल पर पहली विकेट ली और अपनी ही बॉल पर खुद भागे जाके कैच पकड़ा था जो शदाब खान का था, तो वो मेरा बेस्ट मोमेंट था। याद है यही है कि बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली थी और कामी भाई हो गए, डैरन सेमी हो गए और जितने भी यूनिस भाई हो गए, लास्ट ईयर सकी भाई थे, बहुत ज़्यादा खुश थे मेरी परफॉर्मेंस से। और हाजी साहब जैसे कि अकरम सर हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे, जावेद भाई सब बड़े खुश थे और बोले थे कि इतना यंगस्टर है और बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बस यही था कि सबके फ़ोन आ रहे थे उस वक्त, व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह आ रहे थे दोस्तों के, भाइयों के, बहनों के, अब्बू अम्मी अब्बू के बहुत ज़्यादा खुश थे और मीडिया तो जैसे घर पे पहुंच ही गई थी बहुत ज़्यादा। फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, और बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आते हैं, बट आई डिडंट रिप्लाई एनीवन, आई जस्ट रिप्लाई टू माय फ्रेंड। देखें लड़कियों का दिल दुखने की बात तो वो उनकी वो क्यों मुझे टैक्स कर रही हैं जब मैं जवाब ही नहीं देता।